हेलो, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी पर वीकेंड इंडिया। आज मैं जब ऑफिस जा रही थी तब मैंने देखा कि एक बस स्टॉप पर कुछ बच्चे प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म्स में वहां पर वेट कर रहे थे। उनके पास अच्छे बैग्स थे और साथ ही कुछ के हाथ में तो साइंस प्रोजेक्ट्स भी थे। और तभी एक बड़ी सी बस आई और वो उसमें बैठकर स्कूल की ओर बढ़ गए। वहीं जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पुराने यूनिफॉर्म्स थे और फटे हुए बैग थे, वो चप्पल पहनकर पैदल अपनी स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर मेरे दिमाग में ये तो ख्याल आया कि चलिए, लोग शिक्षा की ओर जागरूक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन तभी एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या सभी के पास उतने संसाधन हैं कि वो प्रॉपरली अपना एजुकेशन पूरा कर सके? क्या सभी बच्चों के पास कॉपी, पेंसिल, पेन होते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके? बच्चे देश का भविष्य होते हैं। वो जितने स्वस्थ, समझदार और शिक्षित होंगे उतना ही उज्जवल हमारे देश का आने वाला कल होगा। शिक्षा की बात करें तो भारत में साक्षरता दर अभी भी 74.04 ही है। वहीं इस दर को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। 6 से 14 साल के सभी बालक बालिकाओं को स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन 40% से अधिक बच्चियां 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देती है। वहीं आर्थिक तंगी, अनुकूल वातावरण ना होना और पढ़ाई के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से कई बार बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, और शुरू करते भी है तो उन्हें बीच में ही अपनी शिक्षा में विराम लगाना पड़ जाता है। आलम यह है कि कहीं किताब नहीं है तो कहीं कलम, कहीं स्कूल्स नहीं है तो कहीं टीचर्स नदारद। ऐसे में साक्षरता को बढ़ाने के लिए हर एंगल से काम करना जरूरी हो जाता है, और न केवल सरकार बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर भारत के बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। अभी मैं दिल्ली के सुभाष नगर में हूँ। यहाँ पर एक ट्रस्ट है जिसका नाम है गुजारिश। वहाँ पर बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की जाती है उनके इनिशिएटिव बुक्स फॉर ऑल के जरिए। तो चलिए जानते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है यहाँ के को फाउंडर्स के जरिए। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। इसका मतलब है विद्या हमें विनय देती है और विनय ही हमें पात्रता देती है, और यही पात्रता यानी कैपेबिलिटी है जो हमें जिंदगी में कुछ भी करने के लिए मुकम्मल बनाती है। और इस काम में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका काम कमेंडेबल ज़रूर है। इसीलिए मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगी बुक्स फॉर ऑल के कोफाउंडर से, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और बच्चों को एजुकेशन देने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं अंकित मनचंदा जी से और विनोद मनचंदा जी से, जो इसके कोफाउंडर्स हैं। सबसे पहले अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गुजारिश एक ट्रस्ट है जो कि काम कर रही है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, आपका जो इनिशिएटिव है उसके ज़रिए, तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कब से आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं? तो ये हमने 2016 में स्टार्ट किया था। हम लोग पांच लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया, और जिसमें से 3 लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे थे। उन्हें जाकर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके काम करके लगा कि किताबों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है स्टोरी बुक्स की, रेफरेंस बुक्स की, जहाँ पर हमें लगा कि शायद किताबें पहुँचाना उन बच्चों तक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने सोचा कि हम जैसे लोग जो कि प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास किताबें हैं, वो किताबें बस पढ़ी हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ ली हैं बस, हमारे पास पढ़ी हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, कैसे हम वो किताबें इन लोगों से उठाकर दूसरे जिन लोगों को चाहिए उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये पूरी सोच थी जब हमने 2016 में चालू किया, एंड अब 2019 हो गया है, 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, एंड अभी काफ़ी लोगों तक हम पहुँच सके हैं। ठीक है, तो 2016 से ये काम चल रहा है। तो विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक सोच तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी रही कि आप बुक्स जो है वो प्रिविलेज लोगों से लेकर वैसे लोगों को दे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी मेहनत लगता है, बिकॉज जिनके पास बुक्स होते हैं बहुत बार वो रीसेल करने के लिए सोचते हैं, या मतलब वो जगहों पर पहुँचाने के लिए बहुत कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने कैसे चैनलाइज़ किया? हम अपने दोस्तों से, जिनको भी ये बुक्स वगैरह उनके पास पड़ी होती है, सब उनको बोलते हैं कि आप ये किताबें जो हैं किसी ऐसे आदमी को दो जिसके काम आ सके, आपके किसी काम की नहीं है, किसी दूसरे काम आ सकती है, सबसे बड़ा यही दान होता है। तो हम अपने इसको करने के लिए, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही है,
और इसके साथ इनके दोस्त भी हैं, सब हमारे साथ मिले हुए हैं। तो हम लोगों के घरों से जाके अपनी किताबें उठाते हैं। पहले लोग लेके आते थे हमारे पास, हमने देखा यार इन सबको दिक्कत होती है, तो अब फिर हम अपने गाड़ी करते हैं अपना, कोई भी अपना पोर्टल वगैरह करके उस गाड़ी के थ्रू लोगों घरों से कहते हैं कि अपनी किताबें उठा के दो हमें। तो हमने इसके लिए अपनी एक साइड बनाई है बुक्स फॉर ऑल के लिए, एक हमारा फार्म है, वो फार्म आप भरो तो आपके घरों से ही हम किताब ले लेंगे, आपको लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर से हमारा आदमी जाएगा, वहाँ से किताबें लेके आएगा और ये हम अपने ऐसे आदमियों को देंगे जिनको ये ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, ये आपने तो सोच लिया कि आप घरों से जाकर बुक्स कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अंकित जी ऑब्वियसली इसमें भी पैसा लगता है, आप गाड़ियाँ लेते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाते होंगे, तो इसमें फंड्स आप कहाँ से रेज करते हैं, ये काम पूरा किस तरीके से कर रहा है? बिल्कुल, तो अभी फंड्स का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गाड़ी भेजने में, लाइब्रेरी मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है, तो दो तरीके से हम पैसा अभी जनरेट करते हैं। एक, हम जब भी कोई किताब आगे बच्चे को देते हैं, हमें लगता है कि वो फ्री में देने की बजाय हम एक बहुत मिनिमल चार्ज ऑफ 10 रुपये, चाहे वो 500 रुपये की बुक हो, चाहे 1000 रुपये की बुक हो, चाहे 100 रुपये की बुक हो, हम एक मिनिमल चार्ज 10 रुपये लेते हैं, ताकि उस बच्चे को भी लगे कि मेरे को फ्री में नहीं दी, मैंने पैसे लेके एक्चुअली खरीदी है वो। और दूसरा, अगर हम फ्री में देते हैं, हमने देखा कि यार कोई 100 किताबें ले रहा है तो 10 ही पढ़ रहा है, बट अगर आप चाहे 10 रुपये ले रहे हो, जो वही किताब ले रहा है जो उसे पढ़नी है, तो ये 10 रुपये जो हम लेते हैं इससे अराउंड जितना भी हमारा खर्चा होता है उसका 50-60% हमारे पास वापस आ जाता है, जो हम री इन्वेस्ट करते हैं। बाकी बचा 40%, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं, डोनर्स हैं, जो डोनेट करते हैं, मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे डालता हूँ, ये अपनी सैलरी से कुछ पैसे डालते हैं, तो हम लोग सब मिल बांट के प्लस डोनर्स से जनरेट करके हम ये पैसा जनरेट करके इनिशिएटिव चलाते हैं। और यहाँ मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर भी क्या बच्चे आते हैं, यहाँ से बुक लेके जाते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो कैसे काम करता है? बिल्कुल, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में तीन तरीके से हम काम करते हैं। एक है, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना प्रचार किया, तो बच्चे दूर दूर से, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर के गवर्नमेंट स्कूल से भी किताबें लेने आते हैं बस पे, तो वो बहुत अच्छा होता है। आप कभी सैटरडे संडे आइए, आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं 10-11 बजे से आना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके में हम एनजीओ से पार्टनर करते हैं, तो बहुत सारी एनजीओ, देखो हम गवर्नमेंट स्कूल्स तो सिर्फ दिल्ली में रीच आउट कर सकते हैं, बट बहुत सारी एनजीओज हैं जो बहुत देश के नुक्के कोने में काम कर रही हैं, कोई कश्मीर में काम कर रहा है, कोई लद्दाख में काम कर रहा है, कोई मिजोरम में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में काम कर रहा है, तो हम इन एनजीओज के साथ पार्टनर करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप जो किताब बाहर से 150 रुपये की लेके अच्छा काम कर रहे हो, अब हमसे 10 रुपये की लो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो ऐसी 500 से प्लस एनजीओ से हम पार्टनर कर चुके हैं और इन एनजीओस तक हम किताबें पहुंचाते हैं, तो ये दूसरा तरीका है जिससे हमारी किताबें 15 से ज़्यादा स्टेट्स में जा चुकी हैं इस समय तक। एंड तीसरा है, हम बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो नहीं आ पाते गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ पर, तो हम जाके अब दिल्ली गवर्नमेंट से या MCD स्कूल्स में जाके पार्टनर करते हैं और ख़ुद का स्टॉल लगाते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को बोलते हैं एक दिन पहले, 2 दिन पहले असेंबली में अनाउंस करते हैं कि आप थोड़े से पैसे लेके आओ, यहाँ पर किताबों का स्टॉल लगेगा, और फिर वो किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी कम से कम 15-20 स्कूल्स में हम स्टॉल लगा चुके हैं, और धीरे 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 अब उम्मीद कि दिल्ली के अगर 500,000 स्कूल है, तो हम हर स्कूल में एक बार साल में स्टॉल जरूर लगाएं। जी, जहां यहां पर हम पॉजिटिव सोच के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं इस तरह के, जब आप इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, साथ ही उसमें ऐसा सबके दिमाग में बना हुआ है कि NGOs बहुत सारे ऐसे हैं जो सही काम नहीं करते हैं, कुछ उसमें लूप होल्स होते हैं, कुछ करप्शन भी होता है, तो वैसे में आप कैसे इन सब चीज़ों से कोप अप करते हुए अपने गुड इमेज को सामने लेकर आते हैं और लोगों में ये विश्वास कायम करने की कोशिश करते हैं कि नो, वी आर एक्चुअली डूइंग द प्रॉपर वर्क, राइट वर्क, और हम कहीं से भी गलत नहीं है? बिल्कुल, तो मैम ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जब भी हम किसी नए इंसान को मिलते हैं, उनको हमेशा डाउट रहता है कि यार आप सही काम कर रहे हो, आप हमारा पैसा सही यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए मेरे को लगता है 2-3 चीज़ें। एक है नंबर्स, जब भी आप अपने काम को नंबर्स में बताते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 स्टेट्स में पहुँच गए, तो कोई ये बोलना इतना आसान नहीं है, तो जब आप नंबर्स से जस्टिफाई करते हो कि हम 50,000 किताबें दे चुके हैं, 25,000 किताबें दे चुके हैं, तो वो थोड़ा ट्रस्ट लाता है सामने वाले बंदे में। सेकंड चीज़ है हमारी वेबसाइट है, तो जब भी कोई हमें डाउट करता है, हम उन्हें बोलते हैं कि यार आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, वहाँ पे हम हमेशा अपडेटेड रखते हैं कि ये बच्चे ने किताब ली, ये देखो इस बच्चे ने ये 5 लाइनों की कहानी लिखी, तो वो कहानियाँ पढ़ के लोगों को लगता है कि हाँ ये सही में जेन्युइन काम कर रहे हैं और हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए।
वही मैं एक चीज़ और आपको मेंशन यहाँ पर कर दूँ कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आप उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आप चेक ज़रूर करें, वेबसाइट के ज़रिए उसकी जो भी काम है उसको एक बार मॉनिटर करें। आप एक बार लोकेशन पर आके भी अगर आप आ सकते हैं, पॉसिबल है तो आप वहाँ पर आकर देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड देन यू विल बी द बेस्ट जज ऑफ योर ओन वर्क जो आप कर रहे हैं। आप जहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आप खुद जज कर पाएंगे कि आप सही जगह उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें जिंदगी जीने और समझने का एक नया नजरिया देती है। इसीलिए अभी धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग एजुकेशन से जुड़ रहे हैं और बुक्स फॉर ऑल जैसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बुक्स फॉर ऑल कैसे काम करता है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको वीक इन इंडिया के इस एपिसोड में एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में बता रहे हैं जो बच्चों को काफी कम रेट में बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए जानते हैं बुक्स फॉर ऑल काम कैसे करता है, वो बुक कलेक्शन कैसे करते हैं, फिर वेयर हाउस में बुक्स रखी जाती है, ये लाइब्रेरी पूरा कैसे मेंटेन किया जाता है और यहाँ से बच्चे बुक्स कैसे लेकर जाते हैं। गौरव है जो डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं वहाँ से बुक्स कलेक्ट करते हैं। अभी जस्ट उन्होंने एक पिकअप लोकेशन से बुक्स ली है। तो गौरव मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग कैसे इसको पूरा सिस्टमेटाइज करते हैं ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बुक्स ले सकें। एक्चुअली मैम जो उतनी भी बुक्स डोनेटर्स डोनेट करते हैं उससे पहले वे हमारी वेबसाइट पर लिंक करते हैं जिसमें booksforall.org.in करके हमारी वेबसाइट है, इस पर भी रिक्वेस्ट करते हैं डोर स्टेप सर्विस के लिए। तो उसमें हम लगभग सैटरडे को मैं अपना पूरा रूट बनाता हूँ कि एक दिन में 10 जगह या 11 जगह मेरे को पूरा कवर करना है। तो एक दिन पहले मैं कॉल करके उनको बता देता हूँ कि मतलब आधे घंटे का टाइम देके कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में मैं आपके पास में आऊँगा और इस टाइम अगर घर पे अवेलेबल होंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी, तो ईजी होगा बुक पिकअप करने के लिए। तो बस इस तरीके से हम करते हैं फिलहाल। ओके, तो आप बुक कलेक्शन किन किन दिनों करते हैं? मैम संडे टू संडे ओनली। तो गौरव संडे टू संडे डिफरेंट पिकअप लोकेशंस पे जाते हैं, वहाँ से बुक्स लेते हैं और वापस अपने ऑफिस जो उनका सेंटर है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर वेयर हाउस में जब ये बुक्स पहुँचती है तो वहाँ पर क्या कुछ किया जाता है। जब इनिशिएटिव इतना अच्छा है तो उसमें सभी अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं रुचि कुकरेजा जी जिन्होंने अभी जस्ट बुक्स डोनेट किया है, तो उनसे मैं जानना चाहूँगी कि बुक्स देना एक काफ़ी सेटिस्फाइंग मुझे लगता है, सभी जो इससे जुड़े हुए होंगे उनको लगता होगा क्योंकि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? वेल इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छा फील होता है जब आप बुक्स डोनेट करते हो, स्पेशली उन लोगों को जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर जब आप किसी भी तरीके से सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यू डेफिनेटली आर गिविंग योर बेस्ट टू द सोसाइटी। एंड इसमें मैं अकेली ही नहीं करती हूँ, आई हैव एन अकेडमी। तो सिर्फ रुचि जी ही नहीं ये इनिशिएटिव में अपना योगदान दे रही हैं, उनके साथ उनके एकेडमी के बच्चे भी हैं जो रेगुलरली बुक्स डोनेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खुद पढ़ रहे हैं वही समझ पाते हैं कि बुक्स की क्या वैल्यू होती है। और इन्हीं कुछ बच्चों में से वैसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बुक्स फॉर ऑल इनिशिएटिव में अपने बुक्स डोनेट किए हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प दोस पीपल हु कांट अफोर्ड द बुक्स। The teacher told me about the book donation, so I give her some books of my old classes of 6th, 5th. Okay. तो जब डिफरेंट लोकेशन से बुक्स कलेक्ट कर ली जाती है तो उसे लाया जाता है इस वेयर हाउस में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे बुक्स हैं, एन नंबर ऑफ बुक्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में बुक्स यहाँ पर रखे गए हैं। आप एक बार पूरा व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर जो बुक्स के लाइक कलेक्शन है वो देख कर आपको लगता है कि बुक्स जो कम पढ़ते हैं बच्चों को मिल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही बुक्स डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट करके लाकर यहाँ पर रखी जाती है और फिर बच्चों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब बुक कलेक्ट आप लोग कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उसको डिफरेंट क्लास वाइज और आपको सॉर्ट भी करना पड़ता है, वो कैसे काम करते हैं आप लोग? तो हमारे पास जिस तरह के भी लोग बुक्स डोनेट करते हैं, हमारी एक वेबसाइट है गुजारिश पे, तो लोग वहाँ से जाकर हमारे फॉर्म भरते हैं, फ्लिप करते हैं और हम बुक्स वहाँ से लेके आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की बुक्स इसमें पैक है और उसको हम कैटेगराइज करते हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उन पर बारकोडिंग होती है, स्कैनिंग होती है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास कितनी बुक्स हमारे पास बच्चों तक पहुँची है और कितनी बुक्स हमारे से
हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उस तरीके की बुक्स कैटेगराइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँच सके। और जो हमें वेस्ट होती है बुक्स कि ये कलरिंग बुक है, कर्सिव राइटिंग बुक्स है और ये यूज़ नहीं होनी, तो हम उसकी रिसाइकल करवा के बच्चों के लिए ही उसी रिसाइकल से हम रजिस्टर कॉपीज, ताकि बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड हो सके, तो हम इस तरीके का मैनेज करते हैं इसको। तो पवन ने हमें बताया कि किस तरीके से वेयरहाउस में काम किया जाता है। यहाँ पर बुक्स में बार कोड लगाए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से ये बातें समझ में आ सके कि कितने बुक्स इनके पास आए हैं, और फिर जब वो बच्चों को देते हैं तो उन्हें एक डेटा उनके पास तैयार रहे कि किस तरीके से ये पूरा काम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल में चलते हैं और जानते हैं कि जब यहाँ पर सॉर्टिंग एक बार हो जाती है बुक्स की, तो उसे लाइब्रेरी में रखा जाता है, फिर वहाँ पर किस तरीके से काम होता है। बुक्स फॉर ऑल टीम की खास हिस्सा है अमीशा, उनसे जानते हैं कि जब बुक्स वेयर हाउस से निकल कर आते हैं तो लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, यहाँ पर बुक्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? जी नमस्ते, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि एक बार जैसे सारी बुक्स हमने कैटेगराइज कर दी कि क्लास वाइज हो गई, बुक्स नॉवेल्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, तो सबसे पहला ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे हम क्लास वाइज सारी बुक्स रखते हैं। तो जैसे कि NCERT हो गई, और इसके अलावा अलग अलग पब्लिकेशन के, हमारे पास ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन के बुक्स हैं, हमारे पास कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, और जैसे हम देख सकते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके इस पूरे एरिया में क्लास 10 तक की बुक्स होती हैं। तो जैसे कि कई बार हमें NCERT की बुक्स या जो भी बुक्स बाहर आप जाओगे नहीं खरीदने, तो एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी की बुक्स आपको मिलेंगी, 150, 200 की बुक्स छोटे बच्चों की भी होती हैं। NCERT भी जो मिनिमम कॉस्ट की बुक्स होती हैं वो भी 30-40 रुपए की कम से कम होती हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डोनेटेड आती हैं बुक्स, तो हम बच्चों को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में देने की कोशिश करते हैं, लाइक 10-15 रुपीज़ में आप यहाँ से बल्क में बुक्स ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये जैसे आप लाइब्रेरी देख रहे हो, तो इट इज़ नॉट जस्ट अ लाइब्रेरी बट इट्स मोर देन दैट। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो बुक्स इशू के अलावा वो यहाँ से खुद भी बुक्स लेके जाते हैं। तो हम स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे आपको बताया हम कितने के फेयर लगाते हैं, और उसके अलावा हम दूसरा जो तरीका है वो हम NGOs को बुक्स देते हैं। तो जितने भी NGOs यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप करना चाह रहे हैं इंडिया, मतलब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, अभी हम जैसे मैं एक NGO से बात कर रही हूँ जो कि चेन्नई में है, चेन्नई की स्लम्स में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमें अगर बुक्स पहुँचानी है तो उनके लिए भी कैसे हमें उनको जिस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बुक्स ढूंढते हैं एंड देन उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें भी बुक्स पहुंचाते हैं। तो उस टाइप की बुक्स हैं हमारे पास। प्लस हम उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज की भी बुक्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे चेन्नई में आप हमको चाहिए, उन्हें चाहिए कि तमिल की बुक्स, तमिल में हम स्टोरी बुक्स उन्हें प्रोवाइड करें। तो जब ये उन्हें मिल जाता है ना, तो दैट इज़ समथिंग विच दे डू नॉट गेट ईजिली। तो ये सब चीज़ें हम सारी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और अभी जैसे आपको बताती हूँ कि NCERT की एक एक क्लास की हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हैं, ठीक है, तो वो मिल जाती हैं, और पब्लिकेशंस की मिल जाती हैं। स्कूल्स में जब हम लगाते हैं जैसे, तो 1-5, अभी आप एक, अभी एक स्कूल चल रहा है हमारा सरोजनी नगर में, तो सरोजनी नगर का नवयुग स्कूल चल रहा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अभी वो पूरा 12th तक के क्लासेस का बुक, मतलब क्लास का स्कूल है, 1-12 है, तो हम सारी तरीके की बुक्स ले जाते हैं। तो हमने देखा है कि बच्चों को कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब उन्हें बोलते हैं कि बच्चों ये बुक्स सिर्फ 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ की हैं, तो मैम ये इतनी अच्छी बुक्स सिर्फ 15 रुपीज़ की है। सो ये अगर हम जॉय पहुँचा पा रहे हैं उन तक, तो आई थिंक हमारा काम सक्सेसफुल चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम कोर्स बुक्स एंड एकेडमिक बुक्स, और भी कई तरह के बुक्स होते हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बुक्स, साइंस एंड फिक्शन की बुक्स, साथ ही बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं, जो इस सेगमेंट में रखे जाते हैं। तो चलिए राहुल से जानते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह के बुक कलेक्शन को मेंटेन करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश नॉवल्स लगाते हैं, और यहाँ स्टोरी बुक हो गई, या कुछ क्लासेस वाइज हो गई, और यहाँ पे हम कुछ एंट्रेंस लगा के, और यहाँ पे कलरिंग बुक और मिसलेनियस हो गई, यहाँ पे हम 11-12 का सेगमेंट लगाते हैं, और अगर आप सामने आप देखोगे तो वहाँ पे 12th का आपको सेगमेंट मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम जैसे कोर्स बुक्स लेने तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, लेकिन क्या इस तरह के सेगमेंट के बुक्स भी लेने के लिए बच्चे रेगुलरली आते हैं? हाँ, जैसे ज़्यादातर बुक्स बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमें एक स्टोरी पढ़नी है, तो वो यहाँ पे आके बच्चा ले सकता है। जैसे हिंदी स्टोरी हो गई, इंग्लिश स्टोरी हो गई, और कोई बड़ा स्टूडेंट भी होता है, वो कहते हैं मुझे अगर स्टोरी नहीं पढ़नी, कुछ बड़े लेवल की नॉवेल्स पढ़नी है, तो वो इस सेगमेंट पर आके वो यहाँ पे ले सकता है। तो सभी को यहाँ से बुक्स मिल जाते हैं, और जैसा कि हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि काफ़ी कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो जिन्हें इंटरेस्ट है स्टोरी बुक्स पढ़ने का, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बुक्स जो उन्हें काफ़ी कॉस्टली मार्केट में मिलते हैं, वो यहाँ से आकर बुक्स ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज बैंक को बढ़ा सकते हैं।
बेसिकली सैटरडे संडे को बुक्स फॉर ऑल के सेंटर में बच्चे आते हैं, यहाँ से बुक्स लेकर जाते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे 1 से लेकर 12th क्लास तक के बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं. तो यहाँ पर वराइटीज़ ऑफ बुक्स हैं, जो जो भी उन्हें काम के लायक लगती है वो बुक्स खरीदते हैं. तो यहाँ पर अभी दो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी आप लोग किस चीज़ की बुक्स अभी यहाँ से लेने आए हैं. मेरा नाम सौरभ है, मैं 11th क्लास की अपनी जो सेकेंड टर्म फाइनल आने वाले हैं, तो उनके बारे में जो बुक्स अलग अलग के एग्जाम सैंपल पेपर्स वगैरह वो सब लेने के लिए. अच्छा, जब सौरभ आप यहाँ पे बुक्स लेने आते हैं तो आपको जो बुक्स चाहिए होती है आपको ज़्यादातर मिल जाती है या फिर आपको मार्केट में जाना पड़ता है? नहीं, ज़्यादातर मिल जाती है यहाँ पर, कई और कम प्राइस में मिल जाती है यहाँ पर किताबें, तो गरीब बच्चों के लिए थोड़ी बढ़िया है जगह. और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर स्टोरी बुक्स या और भी जो आपके रेफरेंस बुक्स होते हैं वो भी यहाँ पर लेने के लिए आते हैं? हाँ, मैं ये सभी बुक लेने आता हूँ और क्या कहते हैं, और भी एक्स्ट्रा बुक, मतलब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है वो, मतलब सैम्पल पेपर, मतलब NCERT तो कम्प्लीट हो गया है, मतलब एक्स्ट्रा बुक मेरे को पढ़नी है, तो सैम्पल पेपर और ये सब मतलब लेने आता हूँ, मिल जाता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, तो आप कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से यहाँ से बुक ले रहे हैं? हाँ, मतलब मैं पिछले 2 सालों से मतलब यहाँ आ रहा हूँ, पिछले 2 सालों से मतलब खुला था, तभी से मतलब बताया था प्रिंसिपल सर ने कि यहाँ पर मतलब आके बुक लेना आप लोग, तो तब से मैंने रजिस्ट्रेशन नाम करा लिया, तब से मैं यहाँ आके ले रहा हूँ बुकें, और मुझे जो मतलब बुकें लेनी होती है वो मिल जाती हैं. शिक्षा की अलग जगाता हुआ बुक्स फॉर ऑल का यह पूरा टीम लगातार बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान देने में लगा हुआ है. उनकी यह कोशिश है कि जो बुक्स अनयूज्ड है, जिसका यूज हो चुका है या वो अब काम में नहीं आ रहे हैं, वो बुक्स वो लोगों से कलेक्ट कर वैसे बच्चों को दे सके जिन्हें इन बुक्स की सही में ज़रूरत है, और उन्हें वो वेरी लेस प्राइस पर देते हैं. और मैं अपने सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास भी अगर वैसे बुक्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आप इस तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर वहां डोनेट करें, लेकिन उससे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें. तो आज मैं आपको लेकर आई थी सुभाष नगर के इस गुजारिश ट्रस्ट में, जहां मैंने आपको बताया बुक्स फॉर ऑल इनिशिएटिव के बारे में. अगले दिन वीकेंड इंडिया में मैं फिर किसी खास जगह आपको लेकर जाऊंगी और कुछ खास चीज़ें बताऊंगी. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जनतंत्र TV.